हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और यहाँ पर आज मैं आपको देने वाला हूँ हाला प्ले की टीम। और पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर हाला प्ले में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप PSL खेलने वाले हैं तो आपको एक एक मैच में फ्री एंट्री मिल जाएगी हर मैच में। तो उसके लिए कुछ पासेस है। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ पैसा लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा पड़ता है। अगर आप पूरी लीग्स खेलते हैं तो आपको हर मैच में एक एंट्री मिलेगी, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि गोल्ड पैक की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 20-20 करके एंट्रीज़ मिलेंगी। और ये सीज़न पास है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो ये मेरा वीडियो इसमें लास्ट में आपको शो कर जाएगा। और इसके अलावा आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं सीज़न पास के बारे में। तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा अगर आप हाला प्ले पर खेलते हैं। तो डिटेल में बात नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, प्लस इसका रेफरल कोड भी आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं पेशावर वर्सेज मुल्तान के बीच में जो मैच होने वाला है। तो अगर आपने मेरी ड्रीम इलेवन की टीम नहीं देखी तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है टीम्स के बारे में, तो आप उसको खोल कर देख लें तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी यहाँ पर हम डायरेक्टली टीम बना रहे हैं तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में। तो पहले आपको बता, दुबई की पिचेस बैटिंग पिचेस हैं और यहाँ पर 200 आराम से बन जाता है और 150 तो एवरेज स्कोर है यहाँ बन ही जाता है। तो ये मान के चलिए आपको अच्छे बैट्समैन लेने हैं, प्लस एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ आप देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तमीम इकबाल है, शोएब मलिक है, अहमद शहजाद है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ को ले सकते हैं, बट क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से मैं इनको नहीं ले पाया हूँ। बाकी आपका यहाँ पर कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा, बिकॉज आप टॉस के बाद भी यहाँ पर टीम चेंज कर सकते हैं, तो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है हाला प्ले पर। तो यहाँ पर अहमद शहजाद को ले रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए और ऑप्शन में हरीश सोहेल है, मैं ड्वेन स्मिथ के साथ जा रहा हूँ जो कि एक अच्छे ओपनिंग बैट्समैन है। फिर यहाँ से डेरेन ब्रावो के साथ मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, इनकी श्योरिटी नहीं है, 50-50% चांस है या तो डेरेन ब्रावो खेलेंगे या फिर रॉस विटली खेलेंगे, ठीक है, या तो ये खेलेंगे या फिर ये खेलेंगे। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और जैसी प्लेइंग इलेवन आएगी मैं चेंज कर लूँगा। यहाँ पर शोएब मकसूद खेल सकते हैं तो आपके लिए अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर अभी हसन अली का डाउटफुल है, बट अगर ये खेलते हैं तो आपको इनको मस्ट पिक करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छे प्लेयर हैं और 2 से 3 विकेट आराम से निकाल सकते हैं किसी भी मैच में। अगर खेलते हैं तो आप इनको ज़रूर लीजिएगा। क्रिस जॉर्डन को आप ले सकते हैं, वहाब रियाज को मैं ले रहा हूँ, आप ताहिर को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जुनैद है ऑप्शन में, सोहेल तानवीर हैं, फिर उमर गुल भी खेल सकते हैं, इसके अलावा मोहम्मद असगर हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं, बाकी इरफान को भी आप ले सकते हैं। तो ये बॉलिंग में बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन निकल कर आ जाते हैं। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो यहाँ से ब्रावो नहीं है, इनको मत लीजिएगा, शाकिब भी नहीं है, तीसरा परेरा भी नहीं है, तो इनमें से किसी को आपको नहीं लेना है। बाकी टॉस के बाद तो आपको ये पता चल ही जाएगा, तो यहाँ पर वो मैटर नहीं करता है कि कौन सा प्लेयर मैं आपको बताऊँ खेलेगा नहीं खेलेगा, वो तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि किरण पुराण है, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और ऐसी पिचेस पर बहुत ज़्यादा रन तेज़ी से बना सकते हैं। बाकी डेरेन सैमी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो ये दोनों प्लेयर बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और कम बॉलों में भी ज़्यादा रन बना सकते हैं, तो आपके लिए दोनों ही अच्छे प्लेयर होंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। और कोई प्लेयर यहाँ पे है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट यही है। बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ से क्रेडिट की प्रॉब्लम है, वरना मैं कुमार संगकारा को लेता, बिकॉज ये अच्छे फॉर्म में है और अभी हांगकॉन्ग की लीग्स खेल के आए हैं, तो मुझे लगता है इस मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कामरान अकबर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बाकी आंद्रे फ्लेचर पूरा नहीं है तो इनको भी मत लीजिएगा। तो सेव करते हैं टीम को और देखते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एक अच्छी बैटिंग पिच है, तो आपके लिए एक अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर इस कंडीशन के लिए बेस्ट है, जैसे कि शोएब मलिक है, थोड़ी बहुत ओवर्स भी करा लेते हैं प्लस अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होंगे। बाकी अगर आप एक अच्छे बैट्समैन को देखते हैं तो तमीम इकबाल को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अहमद शहजाद, तो ये कुछ अच्छे प्लेयर हैं। और ड्वेन स्मिथ का थोड़ा डाउटफुल रहता है हमेशा, बिकॉज कभी सिंगल स्कोर डिजिट में भी स्कोर रहता है इनका, कभी डबल डिजिट में भी रहता है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि रोहित शर्मा है इंडिया के, तो कभी बहुत ज़्यादा भी मार देते हैं, कभी बहुत लो स्कोर पर भी आउट हो जाते हैं, तो आपको स्मॉल लीग के लिए बेस्ट नहीं रहेंगे, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बात करें तो डेरेन सैमी और कैरन पुलार्ड भी एक अच्छे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। और सेफ ऑप्शन आपको एक बार और बता दूँ, तमीम इकबाल, शोएब मलिक, अहमद शहजाद और इसके अलावा डेरेन सैमी, और ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हाला प्ले का पास नहीं लिया है तो उसको ले लीजिए, उसमें आपका बहुत फ़ायदा है। और अगर आप वो डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है, इसके पहले आप उसको खोल कर देख सकते हैं। तो गाइज़, करते हैं वीडियो ख़त्म।